दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के जो 1500 रुपये वाले फ़ोन है और उसका मॉडल नंबर है F90M। दोस्तों इस मोबाइल को अगर आप फ्लैश करेंगे इंटरनेट से फ्लैश फाइल डाउनलोड करके तो मोबाइल के अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दोस्तों आज इस मोबाइल को हम फ्लैश कर रहे हैं UMT डोंगल से और इस UMT डोंगल से इस मोबाइल को फ्लैशिंग करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आपको मोबाइल को EDL मोड में लाना होगा और EDL मोड में आपको मोबाइल को कैसे लाना है तो मोबाइल का बैटरी आपको निकाल देना है, उसके बाद बैटरी लगाना है मोबाइल में। उसके बाद इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि होम की है, इस की को आपको कंटिन्यू आपको दबा के रखना है, उसके बाद आपको डाटा केबल इसमें लगा देना है और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे उसके बाद आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा, उसके बाद होम की को आपको छोड़ देना है और ऑटोमेटिकली जो है EDL मोड आ जाएगा आपके डिवाइस में। जब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि QD लोडर 9008 यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस मोबाइल को हम यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आपको यहाँ पे जो है प्रोग्रामर फाइल पहले सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पे प्रोग्रामर फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पैच फाइल सेलेक्ट करना होगा। चलिए पैच फाइल को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस मोबाइल को हम यहाँ पे फ्लैश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस मोबाइल को अगर आप इंटरनेट से फ्लैश फाइल डाउनलोड करके अगर फ्लैश मारेंगे तो मोबाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आप हमारे इस फ्लैश फाइल से फ्लैश मारेंगे मोबाइल को तो आपके मोबाइल के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका मोबाइल कम्प्लीटली जो है ओके हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल कम्प्लीटली जो फ्लैशिंग हो चुका है लेकिन मोबाइल जो ऑटोमेटिकली रिबूट नहीं हुआ और इस मोबाइल को आपको जो है मैनुअली रिबूट करना होगा। मोबाइल फ्लैश होने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा और उसके बाद आप यहाँ ऊपर में जो बटन देख रहे हैं दोनों, इन दोनों को आपको प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है रिकवरी मोड आ जाएगा और आपको यहाँ पे रिबूट कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल जो कुछ ही देर में आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और किसी काम आए वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।